नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बिहार में बारिश और मॉनसून की विदाई के साथ ही अब रात के वक्त में हल्की ठंड लगने भी लगी है और इसको लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में साल 2021 और 22 में किस तरह की सर्दियां होंगी, किस तरीके से ठंड बिहार में अपना असर रखेगा और किस तरीके से आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आज बताते हैं आपको हर खबर ठंड से जुड़ी हुई विस्तार से। देश भर में 6 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। आने वाले 10 दिनों में मानसून पूरी तरीके से भारत से वापस लौट जाएगा, फिर पश्चिमी हवाएं ठंड लेकर आएंगी। वैसे तो 30 सितंबर से मानसून की विदाई होती है, लेकिन इस बार पोस्ट मानसून में जमकर बारिश हुई। इस बारिश का असर ठंड पर पड़ेगा। ठंड के पहले आने के साथ अधिक प्रभावी होने का पूर्वानुमान है। तो आइए जानते हैं कि मानसून के नफा नुकसान के साथ ठंड का क्या प्रभाव होगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मॉनसून की वापसी के साथ ही नमी में कमी आएगी और दक्षिण पूर्व हवाओं की तीव्रता कमजोर होगी। इससे मॉनसून शुष्क हो जाएगा। इस दौरान समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित पश्चिम हवाएं धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगेंगी, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट होगी और ठंड की शुरुआत होगी। हालांकि अभी से ही देर रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है, जिसके प्रभाव से देर रात से अहले सुबह तक मौसम सर्द हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 दिनों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जो मौसम को ठंडा करने में काफी सहायक होंगी। पूर्वानुमान है कि इस बार मॉनसून की तरह ठंड पहले आ सकती है और इस बार की ठंड का प्रभाव भी पहले की अपेक्षा अधिक होगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के मुताबिक आने वाले 10 दिनों में जब पश्चिम हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा तो ठंड को लेकर की स्थिति और साफ हो जाएगी। इस बार मानसून सीजन में 3% अधिक बारिश हुई है। 1 जून से 30 सितंबर तक के मानसून सीजन में 1017.2 mm और औसत बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान 1044.5 mm बारिश हुई है। साल 2020 से लगभग 45 mm कम बारिश साल 2021 में हुई है। साल 2021 में 1 जून से 30 सितंबर तक 1090.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई और इस बार ये बारिश 1044.5 mm बारिश हुई। साल 2000 में पोस्ट मानसून में बरसात का असर कम देखने को मिला था, लेकिन इस बार 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक लगातार देश के कई हिस्सों में और खास करके उत्तर और पूर्वी उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश हुई। बिहार में मानसून समय से पहले आ गया और जून में पानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून माह में राज्य में 354.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि औसत बारिश से करीब 111% अधिक था। जून की बारिश ने पटना में जल जमाव कर दिया था और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी थी। एक माह की बरसात ने साल 2020 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2020 में जून माह में 305.9 mm बारिश हुई, जो कि सामान्य से 82 mm अधिक रही, जबकि साल 2021 में 354.3 mm बारिश ने आफत मचा दी। जून माह में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली घटनाएं भी अधिक हुई। इस माह 16 से अधिक स्थानों पर आकाशीय बिजली राज्य में गिरी, लेकिन कोई बड़ी हानि का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जुलाई महीने में जहां मॉनसून रूठा सा नजर आया, वहीं अगस्त में सामान्य बारिश हुई और बाढ़ से राहत की जो तबाही की तस्वीरें हैं वो सामने आई। सितंबर ने बारिश को तरसाया, लेकिन अक्टूबर के शुरुआत में जबरदस्त बारिश हुई और इसका असर आने वाले वक्त में सर्दियों के मौसम पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि आने वाले अक्टूबर की जब शुरुआत जब हुई है और जब अक्टूबर धीरे धीरे आगे गुजरेगा तो लोगों को शाम के वक्त से ठंड महसूस होने लगेगी और नवंबर दिसंबर में इस बार ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।